हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में आरबीएल बैंक लिमिटेड का Q1 FY21 का रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आरबीएल बैंक के आज के क्लोजिंग के रेट हैं। ये आज बंद हुआ है 181.90 पर और आज ही इसका रिजल्ट आया है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। और मार्केट आवर्स में रिजल्ट आने के बाद में जैसा आप देख रहे हैं, इस शेयर में एक तेजी नजर आ रही है क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी इसके रिजल्ट से, वैसे ही इस बैंक ने अपने रिजल्ट्स को डिलीवर किया है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको अच्छी तरह से लिया है और इसके रेट बढ़ करके बंद हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं किसी भी कंपनी का जब रिजल्ट का एनालिसिस करता हूं तो एक बार मैं उसके एक साल के प्राइस मूवमेंट को जरूर देखता हूं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक साल पहले जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनको अपने इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न मिला है। तो हम जानते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं और देखते हैं कि एक साल पहले जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनके आज वो फायदे में है या नुकसान में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था वो आज लगभग 60% के लॉस पर हैं, क्योंकि आज ही के दिन लास्ट ईयर इसने हाई बनाया था 466.35, जबकि इसने आज हाई बनाया है 183.35। तो फ्रेंड्स, इससे आप देख सकते हैं कि इसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और मेरे पास भी कई क्वेरीज आती है कि सर क्या होगा इसमें और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम केवल यही कह सकते हैं कि आप किसी भी तरह की एवरेजिंग मत कीजिएगा और यदि समय अच्छा आएगा तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और जो भी लॉस है उसको आप लॉस को बियर समझिए और उसको आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिएगा। तो इसके लिए कि जो लोग फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ताकि वो आपको फायदा करेगा कि अभी आपको इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये डेली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी इस वक्त अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज इसका है 159 और इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है 240। तो फ्रेंड्स, जब तक ये बैंक 240 या ये कहना चाहिए कि आगे चल करके ये 200 डेज मूविंग एवरेज नीचे की ओर आता है, तो जब तक ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चलेगा ये शेयर में तेजी नहीं आएगी। लेकिन जहां तक मैं बात करूं अगर RSI की, जैसा कि आप RSI देख रहे हैं ये 50 के ऊपर है और ऊपर की ओर पॉइंटेड है, रिजल्ट आज अच्छे आए हैं, तो मैं समझता हूं कि यहां से इसमें एक तेजी आनी चाहिए और हो सकता है कि ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को जल्दी से कैच कर ले और उसके ऊपर एक नई चाल बना ले यदि मार्केट सपोर्ट करता है। इसी तरह से हम ये जो दूसरा चार्ट देख रहे हैं, चार्ट सेम है लेकिन इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर है ये है स्टॉकिस्टिक मोमेंटम। और यहाँ पर हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम में भी सेम चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसलिए जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये शेयर अभी और भी ज्यादा ऊपर की ओर जा सकता है। और एक नज़र हम MACD में भी डालते हैं और MACD भी ऑलमोस्ट यही स्टोरी कह रहा है कि ये अभी थोड़े से ऊपर की ओर ही बना रहेगा और किसी भी प्रकार का भी इसमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी ओवरबॉट जोन में है। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा पॉइंट होगा एंटर करने के लिए जो लोग फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस आरबीएल बैंक लिमिटेड का और अब हम चलते हैं इसके अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, Q1 FY21 के बारे में। इसको हम अपने तीन पैरामीटर्स के हिसाब से लेते हैं जो हैं नेट इनकम, नेट प्रॉफिट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये बैंक है। तो यहाँ पर ये हमारे तीन क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर Q1 FY20 में इसने 878 करोड़ की NII जनरेट की थी जो कि इस बार बढ़ करके 1128 करोड़ की हो गई है और इसमें एक इजाफा आया है 28.51 करोड़ का। और
ये जो बढ़ोतरी हुई है उसमें जो रीजन रहे हैं, इनके जो ट्रेजरी ऑपरेशंस इंक्रीज हुए हैं 3.05% से, इनके होलसेल बैंकिंग थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन इनका रिटेल बैंकिंग 9.45% से बढ़ा है, होलसेल बैंकिंग इनके लगभग 15% से कम हुआ है, और इनका जो अदर बैंकिंग बिजनेस है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है 27.02% की ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये थे इसके रेवेन्यू से संबंधित यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम से संबंधित डाटा, और अब हम चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट की ओर, देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर कंपनी ने 265 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो इस बार घट करके 154 करोड़ हो गया है, और जिसमें 41.82% की कमी आई है, और इसकी क्या वजह है ये हम आपको दिखाते हैं। इनका जो नेट मार्जिन है वो 4.85% आया है, और इन्होंने कुछ प्रोविजंस अपने कंटिजेंसी प्रोविजंस इन्होंने इम्प्रूव किए हैं, और लास्ट ईयर इन्होंने 196.95 करोड़ का प्रोविजंस किया था, जो कि इस बार बढ़ा करके इन्होंने 500.16 करोड़ कर दिया है। शायद इन्होंने ये जो कोविड की प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से इन्होंने किया है, तो ये एक अच्छा कदम है वैसे मैनेजमेंट का, क्योंकि तो इससे इसके आगे के फ्यूचर के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब नहीं होंगे, तो आगे के रिजल्ट्स आप समझ लीजिएगा कि ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और इसमें इन्होंने जो प्रोविजंस है इन्होंने लगभग 154% के करीब अपनी प्रोविजंस बढ़ाए हैं, और इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है June 30, 2020 का वो 70.46% है। तो ये थी नेट प्रॉफिट की बात, और हम बाद में बात करते हैं अंत में, ये है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके जो NNPA हैं वो 2.05% से कम होकर के 1.65% हो गए हैं, और इसमें एक अच्छा खासा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, और 40 बेसिस पॉइंट का इसमें इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, और यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके पीछे इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था उसमें 17 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वो 3.62% से कम होकर के 3.45% हो गए हैं। और जहाँ तक बात इनकी डिपॉजिट्स की करें तो इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 1.52% बढ़े हैं, और लेकिन जो एडवांसेस हैं वो लगभग 0.25% कम हुए हैं ऑन ईयर बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। कासा इनका 18% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, और इसमें ये रहा है 18,566 करोड़ का, और कासा रेशियो जो है वो इनका 30.10% रहा है, और एवरेज कासा जो था वो Q1 FY21 का ये 29.30 है। कैपिटल एडुकेशन की हम बात करें तो वो 16.35% रहा है। तो फ्रेंड्स ये था RBL बैंक लिमिटेड का अर्निंग परफॉर्मेंस Q1 FY21 का। हम एक नज़र डालते हैं इसकी समरी पर और देखते हैं कि क्या मार्केट को ये रिजल्ट पसंद आए हैं या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समरी में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेट इनकम 28.51% बनी है, और ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है, लेकिन हम देखें यदि इनके नेट प्रॉफिट की बात तो 41.82% से ये कमी आई है इसमें, और ये मिस हुआ है। और यदि हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इसमें 40% का इंक्रीज हुआ है, 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है, और इन्होंने अपने एसेट्स क्वालिटीज को काफ़ी अच्छी तरीके से सुधारा है। हम एक नज़र डालते हैं अब इसके शेयर मार्केट पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके रिजल्ट्स का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका, यदि आप इसका ट्रेडिंग पैटर्न देखें पिछले 6-7 दिनों का, तो हमने देखा है कि 24 जुलाई को यानी कि फ्राइडे को इसमें जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है, और लगभग 6,10,00,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, और इसने एक हाई भी बनाया था वो था 186.40 का, और आज भी इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो 157 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। तो ये अभी ट्रेडिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्टिव प्राइस पर ये शेयर आया है, और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक री एंटर का फेस इसका चल रहा है बैंक का। और हम एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो यहाँ पर जो इसके FII हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग 29.28% का स्टेक है। DII के पास भी लगभग 49% का स्टेक है, और अदर्स जो है वो
21% का स्टेक इस बैंक में रखते हैं। तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और हम अंत में बात करेंगे इसके वैल्यूएशन से संबंधित। इसका मार्केट कैप है लगभग 9,250 करोड़ का, पी रेशियो इसका काफी कम है इंडस्ट्री से, और ये है 18.30, यानी ये एक अच्छे कीमत पर अभी अवेलेबल है। इसका प्राइस टू बुक है 0.87 और बुक वैल्यू है 208 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक वैल्यू से नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और इसका जो ईपीएस है वो है 9.94। और फ्रेंड्स, इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं इन दिनों काफी ज्यादा कम हो गई हैं, और ये है 17.18। तो ये था आरबीएल बैंक लिमिटेड का Q1 FY21 का रिजल्ट का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।